अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पाया कुन्ना की रेसिपी, जिसके लिए मैंने सिर्फ 2 पाए ले लिए हैं, ताकि इसका एक अच्छा सा अरोमा कुन्ने के अंदर आ जाए। और गोश्त मैंने मिक्स लिया है, इसमें कल्ले का गोश्त भी है और नॉर्मल गोश्त भी है। तो गोश्त तकरीबन 1/2 kg है और 2 पाए हैं इसके अंदर। इसके साथ ही हमने मसाला ले लिया है। मसाले में हमने ले लिया है नमक हसबे ज़रूरत, मिर्चें ले ली हैं 1 टीस्पून के करीब ली हैं, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, लहसुन है 1 टेबल स्पून, धनिया है 1 टेबल स्पून, और हल्दी है 1 टीस्पून। इसके साथ हमने ले लिया है ये साबुत मसाला, इसमें हमने ले लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हमने शाही ज़ीरा लिया है, ये थोड़ा सा ना से लॉन्ग होता है, ठीक है, ये शाही ज़ीरा होता है, काले रंग का होता है। इसके साथ हमने थोड़ी सी काली मिर्ची ले ली है, एक बड़ी इलायची ले ली है, 2 लौंगे ले लिए हैं, और एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। अब हम इस मसाले को क्या करेंगे, ये 1 मिनट, ये सारा मसाला है ना, मैं इसके अंदर सारा साबुत मसाला इसके अंदर जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हो गई है। ये मैंने इसके अंदर सारा मसाला ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको जैसे पुड़िया बनाते ना, ऐसे इसको मैं इसको पैक कर दूँगी, और फिर मैं बताऊँगी कि मैं इसको किस तरह यूज़ करूँगी। ये मैंने ले लिया है एक बड़ा प्याज, फुल साइज़ का जो बड़ा प्याज होता है, ये मैंने वो ले लिया है। और अब मैंने इसके अंदर ले लिए हैं पतीली के 4.5 चम्मचे। हो सकता है मैं इसमें ज़रा सा तेल और डालूं, क्योंकि ये पाए जो होते हैं या नहारी जो होती है या कुन्ना जो होता है, इसके अंदर तेल ज़्यादा जाता है, जैसे कोरमा वगैरह होता है, इन सब चीज़ों में तेल ज़्यादा जाता है। तो बाद में हम उतार लें वो अलग बात है, मगर फिलहाल इसमें जाएगा। तो ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है, इसको ब्राउन नहीं करना है। इसको मैं आपको बताऊंगी कि किस टेम्परेचर तक हमने इसको लाना है और क्या कलर देना है प्याज़ों का, फिर आगे का प्रोसेस हम करते हैं। अच्छा जी, तो बस इस स्टेज पे जब प्याज थोड़े से हिच जाएं, इसको ना गुलाबी करना है हमने ना लाल करना है, बस इस स्टेज पे हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे और डायरेक्ट अपना ये कुन्ने का गोश्त ऐड करके और पाय ऐड करके। कुन्ने में बहुत तरह का गोश्त यूज़ होता है, कुन्ने में ना बोंग की मछलियाँ भी यूज़ होती हैं, और बहुत तरह से हर तरह का गोश्त यूज़ हो जाता है कुन्ने के अंदर। कोई स्पेसिफिक गोश्त नहीं होता कि वो ही यूज़ करें। इसको इसको थोड़ा सा भुनने देंगे, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने तेज़ चूल्हे पे इस तरह से इसको भून लिया अच्छी तरह, और अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर दूँगी। और ये जो मैंने मसाले की पोटली की तरह बनाई थी, ये भी ऐड कर दूँगी। और मैं इसको हांडी में भी बना सकती थी, लोग हांडी में ही बनाते, मगर क्योंकि मैंने कभी हांडी में कुछ बनाया नहीं है, इसलिए मेरी फैमिली को आदत नहीं है उसका फ्लेवर खाने की। तो ऐसा ना हो मैं बनाऊं और वो चीज़ ज़ाया हो, उससे बेहतर है कि मैं इसमें बना लूं, क्योंकि ये पतीली में भी पकता है, क्योंकि जब ये देहो में पकता है तो इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी की देहो में तो नहीं बनता ना। खैर जी, अच्छा जी, जो एक बात मैं आपसे अपने व्लॉग के आखिर में कहती हूँ, वो मैं अभी आपसे कह रही हूँ, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग एंड तक मेरा व्लॉग नहीं देखते हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज़ चैनल को आगे ले जाइए, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपकी दुआओं की आपके साथ की बहुत ज़रूरत है।
अच्छा जी ये थोड़ा भून रहा है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ये पहले ही बहुत अच्छी तरह बहुत देर तक भुन रहा था, और अब हम इसको लिड लगा के बंद कर देंगे और इसको गलने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें बीच में कुछ नहीं करना, फिर जो एंड में करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा पक चुका है कुन्ना। ये देखिए हम पाए भी गल गए हैं और गोश्त भी हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह से गल गया है। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, ये मैंने एक कप दही का ले लिया है, एक कप दही मतलब एक पाव दही, और इसके अंदर मैंने डाल लिया है 1 टीस्पून पिसे हुए गरम मसाले का। और अब हम इसको इसको डाल के जो मैंने आपको तरकीब बताई है कि इसको फौरन आपने चमचा हिलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और ये अच्छी तरह भूनने के बाद ये जाएगा आधे घंटे के लिए दम पे। अब ये भुनेगा इसमें अच्छी तरह, जैसे इसमें एक जोश आ जाता है तो फिर मैं इस पर लिड लगा के और इसको बिल्कुल हल्के चूल्हे पे बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको मैं दम पे रख दूँगी आधे घंटे के लिए ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। और फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि एक चीज़ मैं इसके साथ और क्या करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी देखिए ये बहुत अच्छी तरह इसकी दही भड़क गई है। मैं इसको बिल्कुल हल्के चूल्हे पे रख दूंगी और मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये मैंने निकाल दिया था इसके अंदर से। आप इसके अंदर नहीं रहने दीजिएगा, उसको निकाल दीजिएगा, उसके बाद ही आप दही डाल के भूनिएगा। और अब मैं इसको बिल्कुल धीमे चूल्हे पे करके और दम पे रख दूँगी। अच्छा जी तो ये हमारा आधे घंटे पकने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अभी मैंने इसमें दोबारा चूल्हा जला के इसको मैंने थोड़ा सा भड़काया है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आखिर में इसमें कुछ करूँगी, तो वो ये है कि मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर का ले लिया है और ये मैं कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल दूंगी और इसको सही बस हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने इसको नहारी की तरह गाढ़ा नहीं करना है। हमने सिर्फ इसकी शुरबे को जरा सी थिकनेस देनी थी। और अभी ये आपके सामने सारा तेल ऊपर आया हुआ था, अभी वापस थोड़ा सा हुआ है, अब ये 2 मिनट बाद वापस सेट हो जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा जी तो ये हमारा कुन्ना मज़ेदार सा तैयार है और मैंने डिश आउट कर लिया है। इसको हम तो चपाती के साथ खाएंगे, इसको तंदूरी की रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप, नान के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये सब चीज़ के साथ बहुत मज़े का लगेगा। और जी इसकी गार्निशिंग कर देते हैं थोड़ी सी। और इसी के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ, फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ, फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। जब तक आपसे चाहते हैं इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ा दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आपसे जा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।